होडल नगर परिषद चेयरमैन राजगोपाल के वार्ड में लगा गंदगी का अंबार। वार्ड वासियों ने वार्ड में न आने का आरोप लगाया और न ही फोन उठाने का भी लगाया आरोप। वार्ड वासियों ने दी चुनाव में देखने की चेतावनी। वार्ड निवासी योगेंद्र सागर ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव के समय वार्ड वासियों को बहुत लुभावने आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन अब वार्ड में आते तक नहीं है और जो भी विकास कार्य करवाए हैं उनमें अपने चहेते ठेकेदारों को ठेका देकर काम करवाए जाते हैं, जिसमें घटिया सामग्री का प्रयोग किया जाता है। वहीं दूसरी ओर वार्ड में एक फौजी ने चेयरमैन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब हमें नगर परिषद में कोई काम होता है तो हम चेयरमैन रामगोपाल को संपर्क करते हैं ताकि हमारा काम हो सके, लेकिन उसके फरीदाबाद रहने के कारण हम उन्हें फोन करते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक किसी भी वार्डवासी का फोन नहीं उठाया। और जब इस मामले को लेकर उनके पिता विधायक उदयभान शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है और वार्ड में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। नालियों की सफाई नहीं हो रही है, नालियों से बदबू आ रही है जिससे बीमारी फैलने का भय बना हुआ है। और वार्ड में मौजूद वार्डवासी एक व्यक्ति ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब नगर परिषद के चुनाव थे तब तो बच्चों के भी पैर पकड़ते थे, लेकिन अब वार्ड में चाहे कितना भी बड़ा हादसा हो जाए लेकिन वार्ड वासियों के सुख दुख में हाल पूछने भी नहीं आते, जिस कारण वार्ड वासियों में चेयरमैन के खिलाफ भारी रोष देखने को मिल रहा है। यहां तक कि मीडिया वालों के भी फोन नहीं उठाते हैं पार्षद। वार्ड पार्षद है जो फिलहाल चेयरमैन है राजगोपाल, वो ही हमारे 17 नंबर वार्ड से पार्षद है। तो क्या कहना है उनके बारे में आपका, क्या सफाई व्यवस्था कैसी है और क्या सलूक है आपके साथ उनका? सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। दूसरा उनको बोला था कि पार हमारे जो अपने कॉलोनी है बाढ़ है वहाँ पर एक अपना एक ऑफिस कर लें, क्योंकि वो बाढ़ के पार्षद पहले हैं, चेयरमैन बाद में हैं। बाढ़ के जो लोग हैं उनका बिल्कुल भी काम वो बिल्कुल नहीं करते। क्या आप मिलते नहीं उनसे? मिलते ही नहीं है, फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाते नहीं है। कितनी दफ़े फ़ोन किया है? काफ़ी बार फ़ोन किया है और जितना भी काम यहाँ किया है कॉलोनी में कराया है जो रास्ते का वो एकदम थर्ड क्लास किया है। राजगोपाल है तो क्या आपने कभी उनके पास फोन किया? हम फोन कर रहे हैं। फिर क्या कहते हैं वो? उठा भी ना फोन। कितनी बार किया है? मेरे साथ ला रहा फेल कर रहे हो। 10 बार कर बार कर दियो। 10 बार मत फोन नहीं उठाते हैं। श्री राजगोपाल जी, क्या वो क्या है नगर परिषद में? फिलहाल चेयरमैन है नगर परिषद होडल। क्या आपके वार्ड की सफाई क्या व्यवस्था है? सफाई की व्यवस्था यूँ है कि यहाँ कोई आता ही नहीं है कर्मचारी। क्या आपने कभी चेयरमैन होने के नाते उनको फ़ोन किया है? भैया मैंने तो ना करा, बाकी पब्लिक फ़ोन करते तो उठाते नहीं फ़ोन को। कोई है जो आपके कह दे फोन नहीं उठाते हैं? बाढ़ में किसी से भी पूछ लो आप, फ़ोन ही नहीं उठाते ना। होडल शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है और बोर्ड का और अफसरों का जो नहीं बन रही आप इसमें तालमेल, इससे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। शहर में महामारी फैल रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जो सफाई का मामला है, हम पहले से हम जानते हैं जो हमारे नगर परिषद बना था तो इसकी जो हद में हमारा एरिया एक्सटेंड हुआ था, इसमें 2 गांव भी ऐड हुए थे, प्लस जो इसमें हमारी जो भर्ती है स्वीपरों की बहुत लंबे टाइम से इसमें कोई अप्रूवल नहीं आई किसी भी प्रकार की। जो हमारे पहले कर्मचारी थे, जब हमारी कमेटी थी उस टाइम इसमें ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे और आज काउंसिल के टाइम में हमारे बहुत कम अधिकारी इसमें काम कर रहे हैं कर्मचारी हो। चेयरमैन साहब, लेकिन मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, पिछले साल हमने इसमें एक टेंडर की अप्रूवल ली थी सफाई के लिए, प्राइवेट आउटसोर्स के तहत ली थी, उसमें हमारा लगातार बहुत अच्छा कार्य भी हुआ था, क्योंकि तकनीकी कमियों के कारण वो DC साहब ने उसका टेंडर रद्द कर दिया था। उसके सिलसिले में जो कंपनी है उनका मैटर आज भी हाईकोर्ट में चल रहा है, लेकिन हाईकोर्ट ने उसमें हमें एक मतलब इशू कर दिया था ऑर्डर कि जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता हम दूसरा टेंडर जारी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब उसका टाइम समय जो थी उसकी वो समाप्त हो चुकी है, 31 दिसंबर तक थी। अब हमने उसमें प्रस्ताव पास कर दिया था, 18 दिसंबर हमने दोबारा बोर्ड मीटिंग में सफाई के लिए दोबारा प्रस्ताव पास करके अब लेटर हमने DC साहब को लिखा है पुनः अनुमति के लिए। हमारी अनुमति हो जाए, DC साहब से अनुमति मिल जाए तो हम दोबारा उसका टेंडर जारी करेंगे और मुझे बहुत उम्मीद है जिस प्रकार हमने सफाई का कार्य बहुत कामयाबी से किया था उस पीरियड में, उससे भी अच्छी हम सफाई दोबारा कर पाएंगे। चेयरमैन साहब, एक बहुत बड़ी खामियां है कि आप किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं,
और लोगों का कहना है, मैं खुद भी एक महीने से आपको फोन ट्राई कर रहा हूँ, आप फोन नहीं उठा रहे हैं। ऐसा ऐसा कभी और आपके बाढ़ वासियों का तो ये भी कहना है कि अब की बार हम वोट भी नहीं देंगे, वोट लेके दिखा दें। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल गलत बात है। मैं रेगुलर मैं शायद चेयरमैन हूँ जो इतना बैठता होगा अपने ऑफिस में, रेगुलर पब्लिक ग्रीवेंस निपटाने वाला। एक महीने से मैं आपको लगातार फोन कर रहा हूँ और मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग भी है। रिकॉर्डिंग आप दिखा दीजिए अगर आप ये कह रहे हो। आप मुझे नहीं मालूम क्यों कह रहे हो, आपका नंबर भी मेरे पे फीड है। मैंने उसको जैन साहब को भी कहा था, वाइस चेयरमैन साहब को भी कहा था। चलो वाइस चेयरमैन, आप फोन ही नहीं चाहेंगे तो डायरेक्टली महीना कह रहे हो। अगर आप देखोगे ना हमारे बाहर में जाकर ऑफिस में नहीं आ रहे हो, अगर आप ऑफिस ही नहीं आ रहे हो, आप ये कह रहे हो नहीं, मैं आप बाहर बताए जा रहे हो, बल्कि बाहर है वो, बाहर है घूमने। अच्छा घूमने, मैं एक एक महीने घूमने जा रहा हूँ, मुझे क्या बताइए? तो ये आपका निजी राय है, आप पर्सनली अब आप एक बाहर में जाकर देखो कहना चाहते हो। नहीं नहीं, मेरी आपसे कोई पर्सनली बताइए, कभी भी कोई बात हो तो मुझे नहीं पता, मेरी कोई पर्सनल बात नहीं आपसे। आप ये एलिगेशन पत्रकार लगा रहे हैं, बड़ी अजीब लगता है। नहीं क्योंकि या तो आप आते नहीं हो ऑफिस, नहीं आता हूँ मैं, रेगुलर ऑफिस बैठता हूँ। नहीं आप बैठे नहीं, उल्टा आप जो अधिकारियों का फेवर कह रहे हो। आप पता करो, अगर आप रेगुलर आ रहे हो, पिछले छह महीनों में हमारे ईओ साहब कितने दिन ऑफिस में आए? हेमंत जैन ने कहा है कि बिल्कुल भी हम हेमंत जैन, मैंने कहा था वो बाहर गए हुए हैं और वो तब फोन उठा नहीं पा रहे, मेरा भी नहीं उठा रहे हैं। अगर किसी दिन की बात है, किसी पर्टिकुलर डे अगर कोई कह रहा है, उसे आप एक महीने से नहीं जोड़ नहीं, सकते? मैं खुद अपनी बात करूँ ना कि किसी और की। आपसे पूछता हूँ, आप बताइए अधिकारी हमारे कितने दिन ऑफिस आ रहे हैं? कोई नहीं आ रहा है। इस बात की खबर भी लगा चुका हूँ मैं, खबर भी लगा चुका हूँ। क्या खबर लगाई आपने? यही लगाई आपको, इसीलिए तो है कि नहीं आते, इसीलिए तो आपको फोन कर रहा हूँ मैं आपकी वाइट लेने के लिए। लेकिन आप फोन नहीं उठाओगे तो कैसे पता लगेगा? चलो हम तो आते हैं, खैर अगर आप आए नहीं अलग बात है, ऑफिस आइए, हम तो हमेशा बोलेंगे। आजाद हरियाणा के लिए होडल से रतन सिंह की रिपोर्ट।